सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हो गई ना आशिकी, ये गाना फिर से सुनकर। ये गाना, ये फिल्म आशिकी 30 साल पुरानी है, लेकिन इस गाने ने, इस फिल्म ने रातों रात एक न्यू कमर को सुपरस्टार बना दिया। और ऐसा एक्टर जिसे देखकर हर लड़की को हो गई थी उनसे आशिकी। लेकिन इस फिल्म ने जिस एक्टर को सुपरस्टार बनाया वो आज है कहाँ? हम बात कर रहे हैं आशिकी फेम राहुल रॉय की। ब्लॉकबस्टर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बावजूद कामयाबी से राहुल की आशिकी ज्यादा लंबी नहीं चली और धीरे धीरे राहुल रॉय सिल्वर स्क्रीन से गायब हो गए। लेकिन हाल ही में राहुल वापस चर्चा में आए जब कारगिल में शूटिंग के दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राहुल रॉय ने हॉस्पिटल की कई तस्वीरें भी शेयर की थी। फिलहाल राहुल रॉय कहां हैं? क्या वो अपनी बीमारी से उबर चुके हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ राहुल रॉय दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल राहुल रॉय हैं कहां? आशिकी के बाद एक साथ 47 फिल्में साइन करने वाला एक्टर अब गुमनाम क्यों है? हमें करनी होगी राहुल रॉय की तलाश। सबसे पहले हमने मुंबई के नानावती अस्पताल जाकर इंक्वायरी की, क्योंकि कारगिल में स्ट्रोक आने के बाद राहुल को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए यहीं लाया गया था। एक्टर राहुल रॉय एडमिट थे यहाँ पे, एक्टर राहुल रॉय, तो उनके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। वो तो कब से गया है? नानावती हॉस्पिटल जाकर हमें ये पता चलता है कि राहुल रॉय की स्पीच थेरेपी इस हॉस्पिटल में नहीं चल रही है, बल्कि उनकी स्पीच थेरेपी चल रही है मुंबई के वॉकहार्ट हॉस्पिटल में, जो कि मीरा रोड इलाके में है। राहुल रॉय एक्टर यहीं? गलत इंफॉर्मेशन, बट उनके तो इंस्टाग्राम वगैरह पे हर जगह यही मेंशन है कि वो वॉकआउट हॉस्पिटल मीरा रोड में इलाज करा रहे हैं अपना। नहीं सर, ये देखिए राहुल रॉय ने खुद डाला है वॉकआउट हॉस्पिटल मीरा रोड, ये वॉकआउट हॉस्पिटल मीरा रोड, यही तो वॉकआउट हॉस्पिटल है मीरा रोड का सर। लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं ना। हॉस्पिटल का स्टाफ ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि राहुल कभी इस अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। हो सकता है कि एक सेलिब्रिटी होने की वजह से राहुल ने इस हॉस्पिटल स्टाफ को कहा हो कि उनके यहाँ होने की खबर किसी को ना दी जाए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के इनकार करने के पीछे वजह जो भी हो, लेकिन राहुल के सोशल मीडिया पोस्ट और करीबियों से ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि राहुल रॉय अपनी सिस्टर प्रियंका और उनके हस्बैंड रॉबर्ट सेन के साथ रह रहे हैं। यानी राहुल तक पहुँचने के लिए अब हमें कॉन्टेक्ट करना होगा प्रियंका और रॉमिर से। इन दोनों के बारे में हमें राहुल के फ्रेंड्स या उन को-स्टार से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिन्होंने हॉस्पिटल जाकर राहुल रॉय से मुलाकात की थी। लेकिन इससे पहले कि हमारी उनसे मुलाकात हो पाती, एक नए लीड ने हमारा रास्ता दूसरी तरफ मोड़ दिया। हमें राहुल रॉय की ब्लॉकबस्टर फिल्म के उस को-स्टार के मुंबई आने की खबर मिली जिनके साथ राहुल ने बिग स्क्रीन पर इतिहास रच दिया था। यू आर राइट, हम बात कर रहे हैं अनु अग्रवाल की। अनु अग्रवाल इस तलाश में एक बहुत ही अहम कड़ी साबित हो सकती हैं, क्योंकि अनु और राहुल पिछले कई सालों से दोस्त हैं और अनु जरूर जानती होंगी कि इस वक्त राहुल। तो अनु जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत मुश्किल से मुझे आपका कांटेक्ट मिल पाया था। आज हम राहुल रॉय के बारे में आपसे बात करना चाह रहे थे। What has happened to Rahul right now is so heartening, yaar. I mean, it's a serious thing what he's going through. It's not some chota mota ki ye ghutne mein dard ho gaya hai ya kuch toot gaya hai, heart toot gaya, but it's a brain. I mean, brain is an unknown thing. Aapko malum hai ki maine apne ko theek kiya hai. Meri to halat aapko pata hai kya thi, khasta. So, wo ek technique hai jo ki maine late jab main bilkul bedridden thi to shuru kari thi.
योगिक टेक, क्योंकि मैं योगा पढ़ के आई हुई थी ना, तभी उस समय मेरी एक्सीडेंट जब हुआ है, वो मैं अब राहुल के लिए बना रही हूँ। तो वो क्या है, ऑडियो है, ऑडियो है, वो क्या करेगा, कान में लगा के माइक्रोफोन सुनेगा एंड ही कैन जस्ट कीप हिज आईज क्लोज्ड एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस। राहुल, जस्ट एक बात हमेशा याद रखो, यू आर नॉट अलोन, एक सुपर पावर तुम्हारी देखरेख कर रही है, हैव दैट कॉन्फिडेंस, तुम ठीक होके रहोगे, दिमाग में ठान लो। आपकी क्या राहुल से बात हो पाई ब्रेन स्ट्रोक के बाद, क्या कांटेक्ट हो पाया? हाँ, मैसेजेस होते रहते हैं, मुझे पता नहीं कि वो उसके ब्रदर इन लॉ में कर रहा है कि राहुल कर रहा है, बट हाँ वी आर इन टच। देखिए, हम राहुल की तलाश कर रहे हैं। अच्छा, तलाश में हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो राहुल तक पहुँचना है, उनसे मुलाकात करना है। आई कांट टेल यू, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी आपको राहुल कहाँ है, क्योंकि कहीं भी हो मैं तो नहीं बताऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू बी द पर्सन हु टेल्स यू। अच्छा, एक लिंक अगर आप दे सकें। मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगी, आप कहीं और से पूछिए, मैं नहीं भेजूंगी, वो बाद में मुझे कह भी सकता है तूने क्यों बताया, मैं तो नहीं बताऊंगी। अनु अग्रवाल ने राहुल रॉय से जुड़े क्लू पर सस्पेंस बनाए रखा, लेकिन मैंने बात की राहुल की को स्टार रह चुकी शीबा आकाशदीप से और उनकी फिल्म आशिकी के कुछ लोगों से। 90s में राहुल रॉय जी का आना और आशिकी के जरिए जिसमें नदीम श्रवण का संगीत हो और एक माहौल, खूबसूरत मोहब्बत का माहौल, रोमांटिक माहौल बना देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिल्म को बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिली और वही असर है कि आज 30 साल के बाद भी हम राहुल जी की बात करते हैं, हम आशिकी की बात करते हैं, तो बस उनके लिए दुआ करता हूँ मैं। राहुल और मैंने दो फिल्मों में काम किया, एक टीवी शो भी किया। राहुल फ्रॉम डे वन हैज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे इंसान हैं। हाल फिलहाल में मैंने जब अपने इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन किया, मैंने उनके साथ भी किया, हम बहुत अरसे के बाद हमने कैचअप किया एंड ही वॉज जस्ट द सेम एंड इट वॉज सो लवली टू टॉक टू हिम। अनफॉर्चुनेटली ही हैड दिस मेडिकल इशू एंड मेरी उनसे अभी तक बात नहीं हो पाई, but I am wishing him all the very best. He will be back on his feet, which he is, and he will be back at work shortly. तो क्या राहुल रॉय का टीवी कनेक्शन हमें कोई क्लू दे सकता है? हम अब बात करेंगे राहुल की टीवी स्टिंट की पहली कोस्टार रह चुकी जयती भाटिया से और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं रूपाली गांगुली से, जो राहुल रॉय के साथ बिग बॉस के घर में नजर आई थी एज को कंटेस्टेंट। हो सकता है इन दोनों से बात करके हमें कोई क्लू मिल जाए। मेरी लास्ट मुलाकात तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर राहुल को ढूंढना है तो आप मेरे दिल में ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आपको। वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, पूरे देश के दिल में बसे हुए हैं। ही इज़ द आशिकी हीरो, द फर्स्ट हीरो। ये राहुल भाई, तुम जल्दी से मिल जाओ, क्योंकि तुमसे वापस मुलाकात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें सीखनी है। राहुल भैया, आई ऑलवेज कॉल्ड हिम राहुल भैया ओनली, लुक एट द कोइंसिडेंस। राहुल भैया सिस्टर जो हैं, she is married to my mubola bhai Romi, and I called him up, I said what happened, so jo bhi media mein jo bhi news thi uske viparit hi actually bataya gaya ki no, he's fine। Top TV show Anupama ki lead actress Rupali Ganguly ne hame bataya ki Rahul ki sehat ab pehle se kafi behtar hai, lekin Rahul ke sath Kargil mein jo kuch hua uske piche Priyanka aur Romir, film ke producer Nitin Gupta par laparwahi ka ilzam laga chuke hain। हमने प्रोड्यूसर नितिन गुप्ता और राहुल रॉय की अपकमिंग फिल्म LAC के एक्टर निशांत मलकानी से बात की। फॉर मी हेल्थ कम्स फर्स्ट, कोई भी सिचुएशन में। मेडिकल इमरजेंसी लापरवाही से नहीं होती है। अगर लापरवाही इतनी हो सकती है कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उसने दवाई नहीं ली, मैं ये कह सकता हूँ कि प्रिया और रोमीर राहुल सर के ब्रदर सिस्टर हैं और आई कैन फील फॉर देम कि उनको बहुत दर्द होगा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट द ब्लेम गेम। उनकी फैमिली से मेरी बात हुई है, हमारे प्रोड्यूसर्स उनके साथ रेगुलरली टच में हैं, मैं भी सोशल मीडिया और हमारे प्रोड्यूसर्स के थ्रू उनकी सारी खबर लेता रहता हूँ, सो दैट्स हाउ आई नो ही इज डूइंग वेल नाउ, ही इज डूइंग बेटर। उनकी स्पीच थेरेपी चल रही है एंड ही इज ऑन द रोड टू रिकवरी एंड विद इन अ मंथ और टू ही शुड बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। एक्टर निशांत मलकानी सोशल मीडिया के जरिए राहुल के टच में है।
राहुल के सोशल मीडिया अकाउंट से हमें ये भी पता चला कि उन्होंने अब घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। राहुल रॉय के सोशल मीडिया अकाउंट से हमें राहुल रॉय के दो फैमिली फ्रेंड्स के बारे में जानकारी मिली, मौसम और आयुष। इन दोनों के साथ राहुल रॉय आउटिंग के लिए जाया करते थे। अब हम करने जा रहे हैं इन दोनों से मुलाकात। क्या आप दोनों राहुल को पर्सनली जानते हैं या फिर केवल प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, आप क्या बता पाएंगे? वो मुझे और मौसम को अपने छोटे भाई और बहन की तरह ट्रीट करते हैं या अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने देखा इंस्टाग्राम पे आपको। अब अगर मुझे राहुल तक पहुंचना है तो मैं कैसे अप्रोच करूँगा? तो जो लास्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, जो हमें पता है एक्चुअली, वो है शिवाजी दादर, शिवाजी पार्क के, वहाँ ही वो रहते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा प्लेस जहाँ वो जाते हो, अगर आप कुछ बता? कैफे बाई डी बेला, तो हम लोग वहीं पर चिल करते थे ज़्यादातर, वहीं पर मिलते थे। मौसम और आयुष से मेन लीड मिलने के बाद हमारे रिपोर्टर आशुतोष अब निकल चुके हैं उन जगहों की तरफ जो राहुल की फेवरेट प्लेसेस थी। राहुल रॉय तो हम उनकी तलाश कर रहे हैं, तो हमने सुना यहाँ पे उनका काफी आना जाना है। लॉकडाउन के पहले वो रेगुलरली बहुत आते थे, बट अच्छा। अभी खाली में वो आएंगे और मैंने सुना है कि उनका तबीयत खराब है। ये राहुल रॉय यहाँ पे ही रहते थे, कहाँ पे कुछ पता है? कौन से ये कॉर्नर? ये कॉर्नर अभी कोई नहीं। आज कभी छोड़ के गए, कुछ आइडिया है क्या? मेरे ख्याल से दो डेढ़ दो साल हो गए। राहुल रॉय ने अपना घर बदल लिया है और हाल फिलहाल वो अपने फेवरेट कॉफी शॉप पर भी नजर नहीं आए हैं। अब ऐसे में उनके नए आशियाने तक हम पहुँचे तो पहुँचे कैसे? राहुल के कौन से फ्रेंड हमारी मदद करने वाले हैं उन तक पहुंचने के लिए? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार क्या राहुल रॉय से हो पाएगी हमारी मुलाकात? देखते रहिए तलाश एक सितारे की। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि राहुल ने अपना घर बदल लिया है। अब सवाल था कि राहुल के नए एड्रेस तक हम कैसे पहुंचे, और ये मुश्किल राहुल की फ्रेंड सुचित्रा पिल्लई से मिलकर आसान हो गई। एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्लई लगातार राहुल के टच में है। मैं मिली हूँ राहुल से, वो अभी राहुल इज टच विद डूइंग रियली रियली वेल, बहुत ही अच्छी स्पिरिट्स में है। उनका प्रोग्रेस तो बहुत ही अच्छा रहा है। उनके साथ हमेशा 24/7 उनके सिस्टर है प्रियंका एंड हर हस्बैंड रोमिर, सो आई विल पुट यू इन टच विद प्रियंका एंड रोमिर एंड होपफुली यू विल गेट टू मीट देम। एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्लई को स्पेशल थैंक्स कहना तो यहाँ बनता है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम प्रियंका और रोमिर के कांटेक्ट में आए और अब फाइनली हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी राहुल को ढूंढने की कोशिश कामयाब होने वाली है। Hi Rahul, how are you? Wish you a speedy recovery and good to see you. You are back on track. राहुल रॉय स्पीडी रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन वो अब भी पहले की तरह से फ्लुएंटली बात नहीं कर पा रहे हैं। बावजूद इसके उन्होंने हमें मिलने का वक्त दिया एंड वी रियली अप्रिशिएट द सेम। राहुल से हमारी मुलाकात तब यादगार बन गई जब उन्होंने हमारे साथ अपनी डेब्यू फिल्म आशिकी का गाना गुनगुनाया। जरूरत है जैसे सांसों की, जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हमारा
हमारी तलाश फाइनली पूरी हो चुकी है एंड ही लुक्स प्रीटी हेल्दी रिकवरिंग. बहुत अच्छा लगा राहुल आपसे मिलकर, आपको देखकर. थैंक यू वेरी मच. और साथ में है राहुल की सिस्टर. तो राहुल, आपकी तबीयत अभी कैसी है? अभी तो बिल्कुल बहुत ठीक है. और आप कितना व्हाटएवर यू से, बट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. इट्स वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर अस, क्योंकि 8 घंटा तो स्पीच में हो जाता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन सुनते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सुनते हैं. राहुल की सिस्टर प्रियंका स्पीच थेरेपी में उनकी मदद करती हैं। थेरेपी के साथ साथ राहुल योगा और स्पेशल डाइट प्लान फॉलो करते हैं और सुनते हैं अपना फेवरेट म्यूजिक. तेरे दर पर सनम चले आए, तब आया तो हम चले आए, चले आए. राहुल, आप आपके फैन से क्या कहेंगे जो आपको इतना मिस कर रहे हैं, आपके लिए इतनी दुआएं की हैं आपकी स्पीडी रिकवरी के लिए, आपको वापस भी जल्दी देखना चाहते हैं? आई वुड लाइक टू सी देम, दैट आई वुड लाइक टू सी देम एंड होपफुली मैं सक्सेसफुल एंड आई विल गेट टू सी देम वेरी वेरी सून विद देम. आई वांट टू सी दैट. सो स्वीट. बहुत अच्छा लग रहा है. राहुल की फिल्म मई में आएगी. ज्यादा हम जानकारी डिस्क्लोज अभी नहीं कर रहे हैं, राहुल खुद इसके बारे में बताएंगे. और राहुल पूरी कोशिश कर रहे हैं हमसे बात करने की, अपनी बात कहने की. आपके जो पहले में इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स वीडियोस जब खबर आई थी LAC करते हुए, आपको जो स्ट्रोक आया उसके बाद बहुत टेंशन में थे सारे फैंस आपके, हम लोग भी बहुत टेंशन में थे, बट फाइनली बहुत दिल को सुकून मिला है आपको फिट देख कर, बोलता हुआ देख कर, अपनी बात शेयर करता हुआ देख. थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग एंड आई विल Hopefully see you very, very soon. Yes, हम मई में मिलेंगे अब. जरूर. हम मई में मिलेंगे. राहुल की फिल्म का जब प्रीमियर होगा हम आएंगे सब पूरी टीम के साथ. और बहुत बहुत शुक्रिया दिल से हमें यहाँ बुलाने के लिए, समय देने के लिए. आप जल्दी से ठीक हो जाइए, बिल्कुल अच्छे से. और इस तरह से पूरी हो गई राहुल रॉय की तलाश. गेट वेल सून राहुल. All the very best for your upcoming projects. तलाश एक सितारे की के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही. अगले हफ्ते फिर आएंगे एक बड़े नाम के साथ जो कहीं खो गया है और जिनके फैंस उन्हें खूब मिस कर रहे हैं. देखते रहिए इंडिया TV.